नमस्कार, 18 सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज इस समय बैठे हुए हैं SS5 कैरियर के जो डायरेक्टर हैं राम कुमार, उनसे बात करेंगे कि भोजपुर में वो एक टेलीफिल्म बनाने जा रहे हैं और क्या है टेलीफिल्म और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। बताया जाए सर कि कौन कौन लोग इस टेलीफिल्म में काम कर रहे हो, कहाँ के लोग होंगे। नमस्कार, धन्यवाद सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये आरा जिला भोजपुर के जितने भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सर स्पेशली हमारे जो 18 सिटी न्यूज़ हैं, इन काफ़ी साथ मतलब काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हमारे साथ, तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इनको भी। और जो हमारा ब्रांच है सर, आरा ब्रांच SS5 की जो ब्रांच है, यहाँ पे हमारा जो भी मतलब प्रोजेक्ट था जो एक्टिंग डांस मॉडलिंग का, और जो भी यहाँ स्टूडेंट हैं हमारे, जिनसे हमने कमिटमेंट किया था कि थ्री मंथ में हम लोग एक टेलीफिल्म शूट करेंगे, उसमें आप लोगों का मौका दिया जाएगा, तो वही हम लोग किए जा रहे हैं, मतलब करने जा रहे हैं इस January 1st तक। उसका मूवी का सर नाम रखा गया है भाभी जी, जिसमें हम कलाकार कोई बाहर से नहीं ला रहे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो लोग हमारे यहाँ सीखे हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसा कि इन्होंने पहले भी ये दावा किया था कि जो बच्चे इनके यहाँ सीखेंगे उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन इतना जल्दी मौका मिल जाएगा, ये बच्चे भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब शुरुआती दौर में अपना संस्था शुरू किया था तो कुछ कम खर्च में यहाँ पर लगाया था, फिर बाद में उसे फ्री भी कर दिया कि जो भी बच्चे बच्चियाँ सीखना चाहते हैं, क्योंकि आरा और भोजपुर जैसे शहर में कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग कलाकारी लाइन में जाना तो पसंद करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि इसमें फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म देने के माध्यम है SS5 कैरियर। जो राम कुमार हैं इस संस्था के डायरेक्टर, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुर से उभरते हुए कलाकारों को बाहर निकाला जाए और बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्हें एक सुनहरा मौका दिया जाए। जी सर, धन्यवाद। तो सर, एक हमारा जो टेलीफिल्म है भाभी जी, इसमें तो हमारे स्टूडेंट ही सारे काम करेंगे, इसमें बाहर का कोई कलाकार है नहीं सारे, और शूटिंग का लोकेशन भी आप ही के शहर में रहेगा, भोजपुर में ही रहेगा, और जैसा कि और फिल्म का टेलीफिल्म है तो वही 35-40 मिनट तक की होगी, और इसमें हमारे स्टूडेंट रहेंगे सब, और स्टोरी थोड़ा सस्पेंस टाइप का है, जो आजकल का जो समाज में जो माहौल चल रहा है, जो प्यार मोहब्बत का जो है आजकल हम जो देख रहे हैं सारा चीज़ वेस्टर्न होते जा रहा है, इसमें क्या है कि हमारा जो ट्रेडिशन था, जो हम लोगों का कल्चर था, जो वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, हम अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और सर, फिल्म खास क्या है, कैसे लोगों को अपने तरफ दर्शकों को खींचने के लिए इसको क्या इंटरेस्टिंग कुछ है इसमें? सर, कैसे लोगों में तो नहीं, मतलब जो यंगस्टर है हमारे, जो युवा है, युवा पीढ़ी के लिए एक मैसेज होगा कि जो लड़कियां हैं आजकल की हमारे जो हैं, और उनसे जो लवर वगैरह होते पैर वैर करते हैं, तो एक ही लड़की है जो मतलब छोड़ छोड़ के 2-3 लड़कों से प्यार करती है, फाइनली वो क्या है किसी की होती नहीं है। यानी रोमांटिक स्टोरी है और उसमें प्यार धोखा का कहानी भी इस तरीके का कुछ है, तो ये मैसेज क्या देगा लोगों को, जो आज के युवा वर्ग है उनको क्या मैसेज देगा ये शॉर्ट टेलीफिल्म, क्योंकि जिस प्रकार से फिल्म जो बनती है उसमें कुछ कहानी होता है, कहानी का कुछ थीम होता है, मैसेज होता है, ताकि युवा पीढ़ी उसको समझे और सिनेमा हॉल तक पहुँचे, ताकि सिनेमा जब आप बना रहे हैं, जब समाज का एक आईना है सिनेमा, तो उसको उस चीज़ को दर्शाने के लिए आप लोग क्या क्या मतलब कहानी क्या होगा, गाना होगा इसमें क्या है? गाने तो सर होंगे ही सर, 1-2 गाने का हम लोग रखेंगे प्रोग्राम, बाकी इसमें क्या है मैसेज में सर ये होगा कि जो स्टूडेंट हैं खास करके, जो अभी जिनको अपना करियर पर फोकस करना है, वो ये आस्की में ना पड़े अपने पैर मोहब्बत में, क्योंकि ये अपना सारा इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उनके पीछे होता जो उनकी हो नहीं पाती है। इस तरह से हम लोग मैसेज देंगे कि इस तरह से ना पढ़ें, अपना करियर पर फोकस करें, और इस मूवी के माध्यम से ही दिखाया जाएगा, जो आजकल होता यही है सर, हम प्यार किसी और से कर रहे हैं, शादी किसी और से हो जाता है, बस इस टाइप का थोड़ा सा। जैसा कि SS5 कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर राम कुमार सर ने बताया कि प्यार मोहब्बत और धोखा का जो ये कहानी इसमें भी है, इन्वॉल्व है, क्योंकि आज के जो युवा वर्ग है अक्सर इन सब ग्लैमर की दुनिया में धोखा खा जाते हैं और अपने करियर से वो विषयांतर हो जाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये कहानी बना जा रही है, और बच्चे इन्हीं के संस्था के हैं जो कि इनका संस्था भरोसा दिलाया कि आप हमारे यहाँ जुड़ें और हमारे यहाँ सीखें, और उस सफलता का श्रेय अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भोजपुर में सिनेमा बनते जा रहा है और लोग लगातार सोच रहे कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो SS5 कैरियर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एक सुनहरा मौका दे रहा और मौके को सही दिशा देने का एक पहला मील का पत्थर साबित होगा भाभी जी जो फिल्म टेलीफिल्म आने वाला है। जी सर, धन्यवाद। और सर, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लान है, जो एक तो पहले मौका दे रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमने जो प्लेटफॉर्म दिया था, हमने उनसे बोला था, जो कमिटमेंट किया था
कि हम आप लोगों को काम दें। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि सर यहाँ पे काम नहीं दिया जाएगा, कई सारी कंपनी आई ऐसे मतलब फ्रॉड टाइप की भाग जाएगी, इस तरह से हमें सुनने को मिलता था। तो हम तो सर जो कमिटमेंट किए थे 3 मंथ वाला, उसके तो अभी 3 मंथ हुआ भी नहीं है, स्टूडेंट सबका उसके अंदर ही दे रहे हैं। और जो नेक्स्ट ईयर आ रही है जनवरी इसके बाद जो हमारा मूवी होगा, इसके बाद भोजपुरी का प्रोग्राम है, तो उसमें भी बाहर के कलाकार नहीं रहेंगे, ज़्यादातर हमारे यानी आने वाले समय में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ के जो आपके यहाँ संस्था से जुड़े जो कलाकार हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मौका है। बिल्कुल सर, बड़ी मूवी बनाएंगे, फिर हम लोग इसके बाद भोजपुरी का प्लान कर रहे हैं, फिर जो हमारे जानने वाले लोग हैं कुछ लोग वेब सीरीज़ भी बना रहे हैं, उसमें भी मौका दे रहे हैं हम अपने स्टूडेंट को, उसमें भी हमारी कंपनी फाइनेंस करने वाली है। तो मतलब सर हम लोग एक ऐसा नहीं है कोई जेन्युइन सारा काम करेंगे, हम लोग काम देंगे, जितने साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एकदम काम मिलेगा और ये चीज़ें आपको देखने को भी मिलेगा सर। जैसा कि राम सर का कहना है कि यहाँ जो भी हमारे संस्था से जुड़े हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई प्रोजेक्ट इनके संस्था के द्वारा चलाए जाएंगे जिसमें यहीं के संस्था से जुड़े कलाकार काम करेंगे और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, यानी बच्चों के लिए सोने पर सुहागा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कई संस्था आए और चले गए, वादे भी किए लेकिन पूरा नहीं किए, लेकिन पहली ऐसी संस्था है जो दिखाई दे रहा है कि धरातल पर काम करते दिख रहा है और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला।